धमतरी से मरीज को दे दी गई एक्सपायरी दवा। ग्राम भानपुरी में क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था का आलम। डर के साय में अकेले रात गुजारा रहा कोरोना मरीज। शिक्षक रहते हैं नदारद। मामला है ग्राम पंचायत भानपुरी का, जहां क्वारंटाइन सेंटर तो बना दिया मगर अव्यवस्था का आलम है। एक ओर जहां धमतरी कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य कोरोना को लेकर संवेदनशील, दूसरी ओर ग्राम पंचायत भानपुरी में सरपंच सचिव स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण आज कोरोना मरीज निरंजन लाल साहू, जो कि उसी पंचायत में पंच है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। रात्रि में रहना पड़ता, अकेले शिक्षक रहते नदारद। मरीज ने बताया कि 16 अप्रैल से स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में है, उन्हें अब 9 दिन हो गए। बहुत अव्यवस्था है, पानी की काफी समस्या है, सरपंच सचिव भी नहीं के बराबर आते। बड़ी लापरवाही की बात करें, रात्रि में शिक्षकों को ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा लगाया है, लेकिन शिक्षक 8 बजे ही घर चले जाते। मरीज को पूरी रात अकेले डर के साय में रहना पड़ता। हद तो तब हो गई जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता रामशिला साहू द्वारा मरीज को एक्सपायरी दवा दे दी गई। पढ़े लिखे होने के कारण मरीज निरंजन साहू ने तत्काल उस दवाई को चेक किया, वो डर गए। उन्होंने जिला प्रशासन से शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सचिव के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। वहीं ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक इस संबंध में उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में सरपंच जानकी साहू से जब जानकारी ली, तब वो अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। कोरोना मरीज 15 और क्वारंटाइन सेंटर में सिर्फ एक। बता दें कि ग्राम पंचायत भानपुरी में वर्तमान में 15 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। ये बड़ी लापरवाही सरपंच सचिव और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। मेरा नाम रामशिला साहू है, मैं आ रही थी ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अब पता नहीं सर, दवाई तो ठीक दे रहे थे, हो सकता है वही साइड में कहीं रहा होगा, इसीलिए धोखे से दिया होगा, लेकिन ऐसा इस बारी दवाई किसी को नहीं दिया जाता है। और मेरे सामने एक किट भी रखा हुआ है, वही दवाई को देती हूँ। वो जिम्मेदार ऐसा, अब हम लोग दिए तो हमारे ही होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा सर, वो तो गैस की दवाई है, कोई मतलब अलग से कोई उसका इफेक्ट वगैरह नहीं होता है। उसको खाएगा तो फिर भी ठीक है, नहीं खाएगा तो फिर भी, क्योंकि कभी कभी देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं उसको, क्योंकि वो उसके कोरोना से संबंधित दवाई नहीं है। जानकी साहू सरपंच ग्राम पंचायत भानपुरी। यहाँ भी 15 कोरोना संक्रमित। कितने लोग करने देते हैं छठा लगा गए? एक। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ हमारे यहाँ सब कुछ, सब चीज़ की व्यवस्था है सर। मरीज का पता जा रहा है कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, और रात्रि में अकेले रुकते हो? नहीं, रात्रि में तो अकेला ही रहते हैं। क्वारंटाइन सेंटर शासन के निर्देशानुसार से हमने बनाया है, स्कूल प्राथमिक शाला स्कूल। रात्रि में यहाँ जिसके ड्यूटी, वो आते नहीं? आते आते हैं ना सर, दिवांगन सर आते हैं 6 से 6 बजे तक ड्यूटी, और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक सर के काम। रात्रि में तो अब गोदवाल रहते और सर मनाते, वो देख के चल देते। मरीज बता रहे कि यहाँ रात्रि कोई नहीं रहता सब। अब दाऊ सर कोतवाल रहते ना रात्रि में, 2 घंटा तक रहते हो। अब बोलो स्वास्थ्य मैडम जान ही, हम तो नहीं बता सकन, उनका काम है। आपके द्वारा शिकायत किए गए क्या? नहीं। द्वारा अब इसमें कार्रवाई तो हमारे तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और वो जो क्वारंटाइन सेंटर में वो लड़का ना, पहले ही दिन तो मैं पूछूँ बोला आप रह सकोगे कि नहीं रह सकोगे, इसे कहकर तो बोला नहीं चाची मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। और क्वारंटाइन सेंटर में क्या है, मेरे यहाँ तो बाड़ी बकरी कुछ भी नहीं है, तो क्वारंटाइन सेंटर में मैं यहाँ स्कूल में अच्छा रहूँ, ऐसे कि बोली सोहा। यहाँ तो नाम बताएंगे? निरंजन लाल साहू है। कहाँ से? भानपुरी से। अभी वर्तमान में पंच हूँ मैं, पंच और निर्माण समिति और विकास निर्माण विकास समिति का सभापति हूँ। मैं यहाँ से अभी 9वां दिन है सर, मैं रह रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ कोई व्यवस्था ढंग से है ही नहीं सर। सैनिटाइजर करने के लिए बोलेगा तो सैनिटाइजर नहीं होता सर, और क्या यहाँ घास फूस पूरा वो हुआ है, जहरीला सांप निकलता है सर, और नहाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है सर, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं सेप्टिक में नहाता हूँ, वहीं में कपड़ा धोता हूँ सर, और क्या यहाँ तो ऐसा है, और रात में तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं सर। रात में कौन कौन रहते हैं? रात में कोई रहता ही नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, केवल मरीज को लाकर छोड़ दिए हैं बस, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, पंचायत बेखौफ है सर। यहाँ सरपंच सचिव और शिक्षक लोग आते नहीं आते रात में? रात में शिक्षक लोग नहीं आते सर, ना सचिव नहीं रहते ना सरपंच नहीं रहते, और शाम को आते हैं जो सरपंच पति है ना, वही आता है बस, उसी का चलता है सचिव का। सरपंच तो आते ही नहीं, यहाँ एक दिन भी नहीं आएंगे सरपंच। और सचिव?
सचिव आते हैं बस ऑफिस कब बताए कब जाते कोई पता नहीं सर, मेरे को कुछ संपर्क नहीं बोलते। यहाँ पे रात में रहने बहुत तकलीफ है सर मेरे को। जो दवाई दिया है ना यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी लोग वो एक्सपायर हो चुका है सर। दिखाने दवाई की। जी सर। ये दवाई आप कब लिए थे? ये तो 16 तारीख को दिए सर जी। आपने उसको बताया कि दवाई एक्सपायर हो चुका है तो क्या बोले? नहीं बतलाया सर उसको, तो मैं जानकारी नहीं दिया हूँ, मैं अपने पास रखा था सर, दूंगा तो वापस रख लेंगे, तो मेरे को क्या होगा, कार्रवाई नहीं हो पाएगा सर। अब अच्छा खासा मेरा स्वास्थ्य चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा, तो क्या मतलब मैं इसको बतलाऊँ इसे अगर। आप ये कोरोना पॉजिटिव आप कब आए थे? मैं 9 तारीख को करवाए थे सर और 15 को रिपोर्ट आया है। अभी थोड़ा सुधार हो रहा है सर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि वैसे मैं हूँ अभी वर्तमान में, तो यहाँ की व्यवस्था ढंग से हो ताकि और जो मरीज आए बेचारे लोगों को तकलीफ ना मिले। चला हूँ मैं पंचायत के कर्मी, अगर तकलीफ हो रहा हूँ तो दूसरा आम आदमी को तकलीफ नहीं मिलना चाहिए। मैं प्रवीण कुमार सोह हूँ, ग्राम पंचायत भानपुरी का मैं उप सरपंच हूँ। अब शिकायत ये है आदरणीय कि वो हमारा पंचायत में पंच निर्वाचित हुआ है और साथ में जो है निर्माण और विकास समिति का सभापति भी है, और हमारे ही साथ में वो कहीं जगन्नाथ यात्रा में भ्रमण करने भी गया हुआ था, और हम सबका जो कोरोना टेस्ट है इसी पंचायत में हमारी NM दीदी है रमशीला साहू जी उनके माध्यम से यहाँ पे करवाया गया था, जिसमें उनका ही रिपोर्ट बस जो है एक पॉजिटिव आया, और आने के लगभग 4 से 5 दिनों के बाद में उनके पास जब रिपोर्ट आया तो यहाँ दूसरे ही दिन उनको क्वारंटाइन किया गया, जिसमें उनका भरपूर सहयोग हमको मिला। लेकिन चूंकि उस दरमियान में नवरात्रि का दिवस रहा, तो मैं अपने चूंकि जो है नवरात्रि का व्रत रखने के कारण से मैं ज़्यादा उनको समय नहीं दे पाया। जितना भी मुझे उन्होंने फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया, तो मैं गिनती के कुछ दिन है और कुछ घंटे ही मैं यहाँ पे उनके साथ में उनकी समस्याओं को सुन पाया, और इसलिए जो है यह सूचना को त्वरित गतिविधि प्रदान करने में विलम्ब हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उनके माध्यम से जो मुझे शिकायत मिली और वार्ड नंबर 8 के माध्यम से महेश कुमार साहू नाम का पंच है उनके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली, इनके माध्यम से इनके बीच में कुछ विवाद भी फोन के माध्यम से हुआ ऐसा मुझे बताया गया था, जिनमें उनका कहना था कि यहाँ पे रोज सैनिटाइज नहीं होता है, जबकि शासनादेश के अनुसार भी सुबह और शाम 2 बार सैनिटाइज होना चाहिए। तो उनका एक ही कहना था जो हमारे यहाँ पे क्वारंटाइन में पंच जो है हमारे चाचा जी, उनका स्पष्ट कहना था कि जब आपने मुझे क्वारंटाइन किया है तो आप मुझे सुरक्षा उस दृष्टि से क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जब मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूँ आप शासन के नियम का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और उनका कहना है कि जब मैं यहाँ पे निर्वाचित पंच की मेरी यह स्थिति और सभापति की जब यह स्थिति है, तो एक सामान्य नागरिक अगर यहाँ पर रुक गया उसकी क्या स्थिति होगी। खबर भारतवर्ष के लिए धमतरी सिंगपुर छत्तीसगढ़ से निमेश शुक्ला की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।